फिर यहाँ पे आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है ट्रैफिक कंट्रोल एंड रेगुलेशन। ट्रैफिक को कैसे कंट्रोल किया जाए और किस तरीके से उसे रेगुलेट किया जाए ताकि हम लोग जो मूवमेंट है हमारे व्हीकल्स का वो प्रॉपर तरीके से हो सके और जो एक्सीडेंट वगैरह हमारे होते हैं उसको रिड्यूस किया जा सके, है ना। और हमें जो है टाइम भी कम से कम लगे एक जगह से दूसरे जगह जाने में, ट्रैफिक कंजेशन हमें देखने को ना मिले, मतलब जो ट्रैफिक जाम होता है वो चीज़ें हमें देखने को ना मिले उसके लिए। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन इट इज़ एन एरिया वेयर टू और मोर रोड ज्वाइन और क्रॉस। वह एरिया जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा रोड जो है ज्वाइन करते हैं या क्रॉस करते हैं उस एरिया को क्या कहा जाता है, इंटरसेक्शन कहा जाता है। क्रॉसिंग कन्फ्लिक्ट्स आर मेजर कन्फ्लिक्ट, जो क्रॉसिंग कन्फ्लिक्ट्स है वो मेजर कन्फ्लिक्ट्स होता है, वाइल मर्जिंग एंड डाइवर्जिंग कन्फ्लिक्ट। जब भी कोई कन्फ्लिक्ट डाइवर्ज करता है या मर्ज होता है तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, माइनर कन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलता है और मेजर कन्फ्लिक्ट्स भी देखने को मिलता है। जहाँ पे मर्जिंग और डाइवर्जिंग होता है वहाँ पे माइनर कन्फ्लिक्ट्स होता है, और जहाँ पे क्रॉसिंग होता है वहाँ पे मेजर कन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलता है। तो देखो यहाँ पे अगर ये हमारा क्या हो रहा है, रोड यहाँ पे मर्ज हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मर्ज हो रहा है, तो कन्फ्लिक्ट्स इन ट्रैफिक सिग्नल अगर बात किया जाए तो 8 राइट टर्न थ्रू होगा, 8 पेडेस्ट्रियन, 4 राइट टर्न, 4 थ्रू ट्रैफिक, 4 मर्जिंग एंड 4 डाइवर्जिंग। तो उस केस में टोटल जो है 32 यानी 32 कन्फ्लिक्ट जो है क्रिएट आपका होगा। यहाँ पे याद रखने की आपकी चीज़ें ये हैं, आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर दो रोड है और वन वे है, दो गो रोड है और दोनों वन वे है तो 6 कन्फ्लिक्ट्स आपके होंगे, वन रोड जो है टू वे है और एक रोड जो है वन वे है तो 11 कन्फ्लिक्ट्स का संभावना है, 11 तरीके इसका। और अगर दोनों ही रोड टू वे है तो 24 कन्फ्लिक्ट्स होंगे, जिसमें 16 मेजर कन्फ्लिक्ट्स और 8 जो है माइनर कन्फ्लिक्ट्स आपका होगा। और कई बार क्वेश्चंस में जो है इस तरीके का क्वेश्चन दे देता है आपका, देखो 6, 8, 11, 24 और 32, ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है, कब कब क्या होता है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें जो है आपका होता है। यहाँ पे बात करेंगे टाइप्स ऑफ इंटरसेक्शंस की, तो दो तरीके का इंटरसेक्शन आपको देखने को मिलता है, एक एट ग्रेड इंटरसेक्शन और दूसरा होता है ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन। जो एट ग्रेड इंटरसेक्शन होता है उसमें ट्रैफिक आइलैंड का यूज किया जाता है फॉर सेपरेटिंग द ग्रे, मतलब ट्रैफिक। इसमें जो है डिविजनल आइलैंड होता है, रोटरी होता है, पेडेस्ट्रन लोडिंग आइलैंड होता है, चैनलाइजिंग आइलैंड होता है। तो ये अलग अलग आइलैंड्स आपके होते हैं जिसका यूज करके जो रोड का जो डिवीजन्स होता है वो हम लोग करते हैं भाई, डिवाइड करते हैं कि अगर आप इस डायरेक्शन से आ रहे हैं तो इस डायरेक्शन से घूमकर इस तरीके से जा सकते हैं। उसके बाद आता है ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन, इसको जो है इंटरचेंज कहा जाता है। इसमें आपका ट्रम्पेट इंटरचेंज, क्लोवर लीफ इंटरचेंज, डायमंड इंटरचेंज और डायरेक्शनल इंटरचेंज आपका होता है। बात किया जाए सबसे पहले एट ग्रेड इंटरसेक्शन की, तो एट ग्रेड इंटरसेक्शन में सबसे पहला है चैनलाइजिंग आइलैंड। इसका यूज किया जाता है गाइड द ट्रैफिक इनटू प्रॉपर चैनल थ्रू द इंटरसेक्शन एरिया। इंटरसेक्शन एरिया में प्रॉपर चैनलिंग बनाया जाए और ट्रैफिक को गाइड करने के लिए यूज किया जाता है। डिविजनल आइलैंड दीज सेपरेट द अपोजिंग फ्लो ऑफ ट्रैफिक ऑन द हाईवे विद 4 और मोर लेंस, है ना। 4 और मोर लेंस का यूज करते हुए जो भी अपोजिट फ्लो से ट्रैफिक आ रही है उसको सेपरेट करने के लिए जो है डिविजनल आइलैंड का यूज किया जाता है। पेडेस्ट्रियन लोडिंग आइलैंड दीज आर प्रोवाइडेड एट रेगुलर बस स्टॉप और सिमिलर प्लेसेस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ पैसेंजर।
पैसेंजर के प्रोटेक्शन के लिए जो आइलैंड हम लोग प्रोवाइड करते हैं रेगुलर बस स्टॉप पे जनरली, या वहाँ उस एरिया पे जहाँ पे पैसेंजर बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं या जाते हैं, तो उसे जो है पेडेस्ट्रियन लोडिंग आइलैंड कहा जाता है। रोटरी आइलैंड इट इज़ अ लार्ज सेंट्रल आइलैंड होता है ऑफ ए रोटरी इंटरसेक्शन पे। इन इट व्हीकल फ्रॉम कन्वर्जिंग आर्म आर फोर्स टू मूव राउंड इन आइलैंड इन वन डायरेक्शन एंड वेव आउट द रोटरी मूवमेंट इन टू देयर सुटेबल डायरेक्शन। यहाँ पे क्या होता है, मान लो ये रोड जा रहा है, यहाँ पे ये रोड है, यहाँ पे ये रोड है, यहाँ पे ये रोड है, यहाँ पे रोटरी आपका बना दिया गया, तो यहाँ से इस डायरेक्शन में घूमकर इस तरह जाएगा, इस डायरेक्शन से है तो इधर चला जाएगा, इस डायरेक्शन से है तो ऐसे घूमकर जाएगा। तो इस तरीके से अलग अलग रोटरीज जो है यहाँ पे दिए जाते हैं। गाइडलाइंस फॉर सिलेक्शन ऑफ रोटरीज, रोटरीज को सिलेक्ट करने के लिए क्या गाइडलाइंस है, तो पहला कि जो रिलेटिवली क्या होता है कि इक्वल ट्रैफिक ऑन रोड विच आर अप्रोचिंग रोटरी, जो अप्रोचिंग रोटरी है उसके इक्वल ट्रैफिक रोड होना चाहिए। दूसरा अपर लिमिट जो है 3000 व्हीकल पर आवर और लोअर लिमिट जो है 500 व्हीकल पर आवर होना चाहिए। तीसरा बेनिफिशियल व्हेन राइट टर्न ट्रैफिक इज हाई जनरली मोर देन 30%, 30% से अगर ज़्यादा राइट टर्निंग ट्रैफिक है तो बेनिफिशियल होगा रोटरी प्रोवाइड करना। और चौथा कि सुटेबल व्हेन नंबर ऑफ अप्रोचिंग रोड इज मोर देन 4, अगर 4 से ज़्यादा अप्रोचिंग रोड है तो उस कंडीशन में ये सुटेबल होता है। डिज़ाइन एलिमेंट के बारे में बात किया जाए तो सबसे पहला एलिमेंट होता है डिज़ाइन स्पीड फॉर अर्बन एरियाज या रिस्ट्रिक्टेड लोकेशन, जो होता है वो 30 किलोमीटर पर आवर होता है, बट इन रूरल एरिया 40 किलोमीटर पर आवर होता है। कहाँ पे, तो डिज़ाइन स्पीड आपका होता है रोटरी पे। तो ये आपका रोटरी आप यहाँ पे देख पाएंगे, ये आपका रोटरी है ना, ये रेडियस है सेंट्रल आइलैंड का, और ये जो है ये आपका वेविंग वीर्थ है, और ये आपका जो है ये आपका सर्कुलर वीर्थ, यहाँ पे ये वाला सर्कुलर वीर्थ है, और ये जो है आपका यहाँ पे जो डैश डैश दिया गया है वो आपका गिवे लाइन है, और ये आपका जो है अप्रोच वीर्थ है ये वाला, और ये जो है यहाँ पे ये रेडियस है इंस्क्राइब्ड सर्कल का, इंस्क्राइब्ड सर्कल का रेडियस भी हमें पता होना चाहिए। ये एग्जिस्ट वीर्थ है, ये एंट्री वीर्थ है, ये वेविंग लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ये एग्जिस्ट रेडियस है, ये एंट्रिंग रेडियस आपका दिया गया है, ठीक है। ये आपका जो है एक आइलैंड है जो डिवाइड कर रहा है कि भाई आप इधर से आ रहे हैं तो इधर जाइए, और अगर आप इधर से जा रहे हैं तो ऐसे घूम कर यहाँ पे आप जाइए इस डायरेक्शन में। डिज़ाइन ऑफ रोटरी, रेडियस ऑफ सेंट्रल आइलैंड के बारे में बात किया जाए तो सेंट्रल आइलैंड का जो रेडियस होना चाहिए रेडियस ऑफ एंट्री के 4/3 होना चाहिए। रेडियस ऑफ एंट्री जो है रूरल एरिया का 20 से 35 मीटर होता है और अर्बन एरिया का 15 से 25 मीटर होता है। रेडियस एट एग्जिस्ट 1.5 to 2 times ऑफ रेडियस एट एंट्री, जितना भी रेडियस एट एंट्री था उसका 1.5 यानी डेढ़ गुना या दो गुना होना चाहिए, ताकि देखो गाड़ी इन तो करे रोटरी पे धीरे धीरे लेकिन बाहर निकले दम तेज़ी से, ताकि ट्रैफिक कंजेशंस या ट्रैफिक जैम की कंडीशन हमें देखने को ना मिले। उसके अलावा मिनिमम जो वीर्थ है कैरिज वे का व्हील लेस एट लीस्ट 5 meters विद नेसेसरी वाइडनिंग टू अकाउंट द कर्वेचर ऑफ रोड, कर्वेचर ऑफ रोड को देखते हुए हम लोग जो है 5 meters जो है मिनिमम हमें जो है वीर्थ रखना पड़ता है कैरिज वे का। वीर्थ ऑफ नॉन वेविंग सेक्शन का जो वीर्थ है वो इक्वल होना चाहिए वीर्थ ऑफ वाइडेस्ट सिंगल एंट्री इन टू द रोटरी, रोटरी में जो सिंगल एंट्री है उसका जो वीर्थ है उसके बराबर होना चाहिए। और मिनिमम वेविंग लेंथ जो है रूरल एरिया में जो है 45 मीटर और अर्बन एरिया में 30 मीटर होता है या होना चाहिए। आइडियलाइज्ड एंट्री एंगल जो है 60 डिग्री होता है और एग्जिस्ट एंगल जो है 30 डिग्री होता है। वीर्थ ऑफ वेविंग सेक्शन जो होता है वेविंग लेंथ जो कि डिटरमाइन करता है इज़
विद विच द व्हीकल कैन मोन्योर थ्रू द वेविंग सेक्शन एंड हेंस डिटरमाइन द कैपेसिटी ऑफ रोटरी। यहाँ पे जो है क्या कहता है कि जो व्हीकल का मोन्योर है उसकी मदद से वेविंग सेक्शन पे हम लोग जो है डिटरमाइन करते हैं, और इससे हम लोग जो है क्या करते हैं रोटरी पे कितना कैपेसिटी आ रहा है वो कंप्लीट करते हैं कैलकुलेट। तो डब्ल्यू वेविंग यानी वेविंग का विड्थ इज इक्वल टू हो जाएगा, या वेविंग सेक्शन का विड्थ इज इक्वल टू होगा ई वन प्लस ई टू बाई टू प्लस 3.5। ई वन जो है एंट्री विड्थ और ई टू जो है एग्जिट विड्थ आपका है, दोनों ही मीटर में होगा। कैपेसिटी ऑफ रोटरी इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे क्यू इज इक्वल टू 280 डब्ल्यू इंटू वन प्लस ई बाई डब्ल्यू इंटू वन माइनस पी मैक्स बाई थ्री होल इंटू डिवाइडेड बाई वन प्लस डब्ल्यू बाई एल। यहाँ पे पी जो है प्रोपोर्शन ऑफ वेविंग ट्रैफिक है, तो पी इज इक्वल टू होगा बी प्लस सी बाई ए प्लस बी प्लस सी डी। देखो यहाँ पे अगर बात किया जाए आपका ई का, तो ई निकालने के लिए फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं ई वन प्लस ई टू बाई टू, यानी जो भी एंट्री और एग्जिट का जो एवरेज होगा वही हमारा जो है ई का वैल्यू आएगा। यहाँ पे जो क्यू है ये प्रैक्टिकल कैपेसिटी होता है जो कि पी सी यू पर आवर होता है। डब्ल्यू जो है यहाँ पे विड्थ सेक्शन है, ई वन जो है एंट्री विड्थ, ई टू जो है एग्जिट विड्थ, एल जो है लेंथ ऑफ वेविंग सेक्शन, ए जो है लेंथ ऑफ ए जो है आपका लेफ्ट टर्निंग ट्रैफिक मूविंग अलोंग लेफ्ट एक्सट्रीम लाइन लेन, डी जो है आपका राइट टर्निंग ट्रैफिक है मूविंग अलोंग राइट एक्सट्रीम लेन, और बी जो है क्रॉसिंग या वेविंग ट्रैफिक है जो कि टर्न करता है टुवर्ड्स राइट एंट्री द रोटरी, एंड सी जो है क्रॉसिंग या वेविंग ट्रैफिक है जो टर्न कर रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट वाइल लीविंग द रोटरी। पी जो है आपका कैलकुलेट किया जाता है एट ऑल द वेविंग सेक्शन एंड हाईएस्ट वैल्यू विल बी अडॉप्टेड। हर सेक्शन पे पी का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। पी क्या था, तो पी था प्रोपोर्शन ऑफ वेविंग ट्रैफिक, और जिस भी सेक्शन में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हमें जो पी का वैल्यू मिलेगा उसी को जो है कैलकुलेशन के तौर पे लेकर चलेंगे। उसके बाद आता है ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन। अ ग्रेड सेपरेशन इज अ क्रॉसिंग ऑफ ए हाईवे और रेलवे टू हाईवे और पेडेस्ट्रियन वॉक एंड हाईवे एट डिफरेंट लेवल विदाउट इंटरसेप्शन, बिना कोई इंटरप्शन के, बिना कोई रुकावट के पैदल चलने वाले आदमी, हाईवे पे चलने वाले आदमी आराम से मूवमेंट कर सके, तो उसको जो है एट ग्रेड इंटरसेक्शन कहा जाता है। यहाँ पे एट ग्रेड इंटरसेक्शन, यहाँ पे इंटर डायमंड इंटरचेंज है। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये जो रोड है ऊपर ऊपर जो है आपका चला जाएगा, ठीक है, नीचे के नीचे से चला जाएगा। अब मान लो कि ये जो रोड है यहाँ से किसी को नीचे जाना है तो ये इस डायरेक्शन में जाकर ऐसे मुड़ सकता है, या फिर अगर कोई इस डायरेक्शन से आ रहा है तो ये ऐसे मुड़ जाएगा, इधर से आ रहा है तो इधर से मुड़ के ऐसे चला जाएगा, अगर कोई इधर से आ रहा है तो ये ऐसे चला जाएगा, तो इस तरीके से आपका जो है या इधर से है तो ये इधर चला जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो है आपका ट्रम्पेट इंटरचेंज है, या आप ट्रम्पेट इंटरचेंज का फिगर देख पाएंगे। यहाँ पे जो है आपका सेमी डायरेक्शन कनेक्शन दिया गया है, डायगोनल कनेक्शन दिया गया है, और डायरेक्ट कनेक्शन जो है आपका दिया गया है। यहाँ पे बात किया जाए डायमंड इंटरसेक्शन का, तो डायमंड इंटरसेक्शन जो है सिंपलेस्ट फॉर्म होता है आपका इंटरसेक्शन का, जिसमें फोर लेग इंटरचेंज आपका होता है। डायमंड इंटरचेंज जो है वो रिक्वायर होता है मिनिमम लैंड एंड इट इज़ लीस्ट कॉस्टली, सस्ता भी होता है और कम लैंड की ज़रूरत भी पड़ता है। डायमंड इंटरचेंज जो है आइडियल होता है फॉर बोथ अर्बन और रूरल ट्रैफिक के लिए, बट द राइट टर्निंग ट्रैफिक हैज़ टू कवर एक्स्ट्रा ट्रैवल डिस्टेंस, लेकिन जो राइट टर्निंग ट्रैफिक होता है उसको एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो है ट्रैवल करना पड़ता है डायमंड इंटरचेंज कंडीशन में। क्लोवर लीफ इंटरचेंज प्रोवाइड करता है कंटिन्यूस मूवमेंट टू ऑल द इंटरचेंजिंग ट्रैफिक, जितने भी इंटरचेंजिंग ट्रैफिक है सभी में एक कंटिन्यूस मूवमेंट जो प्रोवाइड करता है कौन, तो क्लोवर लीफ इंटरचेंज।
फॉर क्रॉसिंग ऑफ टू मेजर रोड, दो मेजर रोड को क्रॉसिंग करने के लिए, ऑफ इक्वल इम्पॉर्टेंस इन रूरल एरियाज, क्लोवर लीफ इंटरचेंज इज प्रीफर। क्लोवर लीफ इंटरचेंज जो है प्रीफर किया जाता है। यहाँ पे आप देख पाएंगे फिगर, ये जो है फुल क्लोवर लीफ है और ये पार्शियली क्लोवर लीफ है, यानी ये किसी भी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जाना है, इस डायरेक्शन में जाना है, इस डायरेक्शन में जाना है, इस डायरेक्शन में आना है, यहाँ से ऐसे चला जाना है, यहाँ से ऐसे आ जाना है, यहाँ से ऐसे आना है, यहाँ से ऐसे, मतलब जिस डायरेक्शन में वो चाहे उस डायरेक्शन में वो जो है अपना जा सकता है। ये जो इस डायरेक्शन का था इसको लूप रैंप कहा जाता है, और ये माइनर रोड है और ये आपका पार्शियल क्लोवर आपका लीफ है। यहाँ पे आपका इस डायरेक्शन में चला गया, इधर से इधर चला गया, ये इधर से इधर चला गया, ये ऐसे चला गया, ये ऐसे आ गया, है ना, ये ऐसे आ गया। तो इस तरीके से पार्शियली ये क्लोवर लीफ है और फुल्ली क्लोवर लीफ आपका दिया गया है। उसके बाद है रोटरी इंटरचेंज, मतलब रोटरी भी है और इंटरचेंज भी हो रहा है, जिस डायरेक्शन में चाहे उस डायरेक्शन में अपना जा रहा है। तो रोटरी इंटरचेंज इज़ यूजफुल व्हेन नंबर ऑफ रोड इंटरसेक्ट एट द इंटरचेंज एंड सफिशियंट लैंड इज अवेलेबल। बहुत ज़्यादा सफिशियंट लैंड अवेलेबल है और नंबर ऑफ रोड इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में रोटरी इंटरचेंज जो है हम लोग बनाते हैं। डायरेक्शनल इंटरचेंज, डायरेक्शनल इंटरचेंज होता है ये रिक्वायर करता है मोर देन वन स्ट्रक्चर और थ्री लेवल स्ट्रक्चर्स होता है, है ना, एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर या तीन लेवल स्ट्रक्चर्स को रिक्वायर करता है कौन, डायरेक्शनल इंटरचेंज। और दीज आर ऑपरेशनली मोर इफिशियंट बट वेरी कॉस्टली, बहुत ज़्यादा महंगा होता है और ऑपरेशनल जो है इफिशियंट तो होता है लेकिन महंगा आपका होता है। यूनिट और पर्पस के बारे में बात किया जाए तो क्लोवर लीफ इंटरचेंज जो है ग्रेड सेपरेशन के लिए, ट्रैफिक स्टडी जो है ट्रैफिक फ्लो के लिए, रोटरी आइलैंड जो है ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस, और रोड जंक्शन जो है इंफॉर्मेटरी साइन के लिए किया जाता है। ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस के बारे में बात किया जाए तो कई सारे क्लासिफिकेशंस किए जाते हैं ट्रैफिक साइन का, जिसमें रेगुलेटरी या मैंडेटरी साइन होता है, वार्निंग या कॉशन साइन होता है, और इंफॉर्मेटरी साइन होता है। जो रेगुलेटरी या मैंडेटरी साइन होता है उसमें आपका गिव वे, स्टॉप, कंपलसरी लेफ्ट, स्पीड लिमिट एक्सेट्रा होता है। वायलेशन इज अ लीगल ऑफेंस, अगर आप इस चीज़ को वायलेशन करते हैं तो आपके पे ऊपर लीगल एक्शन जो है लिया जाएगा या लिया जाता है। वार्निंग कॉशंस, ये जो है आपका इसमें आपका आता है मेन एट वर्क, मेजर रोड अहेड, हेयर पिन बेंड एक्सेट्रा आपका आता है वार्निंग या कॉशनरी ट्रैफिक साइन में। ये एग्जिस्टेंस ऑफ हजार्डस कंडीशन, अगर आप इस चीज़ को इग्नोर करेंगे तो भाई आप जाएंगे अपनी जान से, तो उसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं होगा, मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक कंडीशन ये होता है। उसके बाद है इंफॉर्मेटरी ट्रैफिक साइन, इसमें जो है पेट्रोल पंप, हॉस्पिटल, डायरेक्शन साइन आते हैं। ये जनरली रोड यूजर्स जो होते हैं उसको गाइड करने के लिए किया जाता है। तो जो मैंडेटरी रेगुलेटरी साइन है ये जनरली सर्कुलर इन शेप होता है। दिस इन्फॉर्म द रोड यूजर ऑफ लॉ एंड रेगुलेशंस, वायलेशन इज अ लीगल ऑफेंस, द साइन मस्ट बी एट लीस्ट 60 सेंटीमीटर अक्रॉस ऑन रूरल रोड एंड 40 सेंटीमीटर इन बिल्टअप एरिया। बिल्टअप एरिया में 40 सेंटीमीटर होना चाहिए और आपका जो है 60 सेंटीमीटर अक्रॉस यानी पहले होना चाहिए रूरल एरिया में, ठीक है। डेड लोड इज अ रेगुलेटरी साइन, जो डेड स्लो है वो एक रेगुलेटरी साइन है। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये आपका स्टॉप है, स्टॉप में जो है आपका हेक्सागोनल होता है, गिवे में जो है ट्रायंगल शेप होता है, वन वे साइन में सर्कुलर होता है, आपका कंपलसरी लेफ्ट कीप लेफ्ट में जो है आपका सर्कुलर होता है, स्पीड लिमिट में सर्कुलर होता है, और नो हॉर्न, है ना, नो हॉर्न प्लीज या हॉर्न प्रोहिबिटेड भी आपका सर्कुलर शेप में होता है। अकॉर्डिंग टू IRC अगर बात किया जाए 67/2001 के अनुसार, तो ट्रैफिक साइन जो है इंडिकेट करता है स्पीड लिमिट को, ऑन रोड शुड बी सर्कुलर शेप
होता है, लेकिन बैकग्राउंड जो है आपका क्या होता है, वाइट होता है, और बॉर्डर जो है रेड कलर का होता है। लेकिन जो स्टॉप होता है और जो गिव वे साइन होता है, ये दोनों का शेप अलग अलग होता है। स्टॉप वे का जो साइन, स्टॉप का जो साइन होता है वो हेक्सागोनल शेप में होता है, और गिव वे का जो है ट्रायंगल शेप में होता है। शेप ऑफ स्टॉप साइन जो है अकॉर्डिंग टू IRC 67:2001 के अनुसार ऑक्टागोनल होता है। ऑक्टागोनल, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, है ना? हाँ, ऑक्टागोनल है, नोट हेक्सागोनल, है ना? तो स्टॉप में ऑक्टागोनल है और गिव वे में जो है आपका ट्रायंगल है। गिव वे का क्या है, ट्रायंगल है। बाकी जनरली जो आपका मैंडेटरी या सर्कुलर या रेगुलेटरी जो है वो सर्कुलर इन शेप आपका होता है। सिर्फ स्टॉप जो कि ऑक्टागोनल होता है और जो गिव वे होता है उसका ट्रायंगल होता है। इन्फॉर्मेटरी साइन के बारे में बात किया जाए तो ये जनरली जो है रिक्टेंगुलर शेप में होता है, फॉर इन्फॉर्मेशन एंड गाइड और रोड यूजर, गाइडेंस के लिए आपका जो है होता है कि कौन से डायरेक्शन में। ये एडवांस डायरेक्शन साइन है और ये डायरेक्शन साइन को रिप्रेजेंट करता है। स्पेशल साइन के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे अगर इस तरीके का साइन है तो ब्रिज कैरिंग रेलवे एबव द रोड, रोड के ऊपर जो है रेल है, इस कंडीशन में ब्रिज कैरिंग रेलवे बिलो रोड, रोड के नीचे जो है रेलवे है, और यहाँ पे जो है सेम लेवल पे क्रॉसिंग आपका हो रहा है। कॉशनरी या वार्निंग साइन, तो ट्रायंगुलर वार्न रोड यूजर्स ऑफ एग्जिस्टिंग ऑफ 10 हजार्डस कंडीशंस को दर्शाता है। जो कॉशनरी या वार्निंग साइन होता है ये जनरली रेक्टेंगुलर शेप में होता है और ये नैरो हेड रोड को दर्शा रहा है, और ये जो है पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग को आपका दर्शा रहा है। फिगर यहाँ पे देख पाएंगे। ट्रिप इज डिफाइंड एज द वे, ट्रिप इज डिफाइंड एज द वे मूवमेंट, वन वे मूवमेंट होता है ना, डिफाइंड एज ए वन वे मूवमेंट हैविंग सिंगल पर्पस, सिंगल पर्पस होता है, एंड मोड ऑफ ट्रैवल बिटवीन पॉइंट ऑफ ओरिजिन एंड पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन। जो मोड होता है ट्रैवल का वो बिटवीन पॉइंट ऑफ ओरिजिन और पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन आपका होता है। कलर ऑफ लाइट यूज फॉर विजिबिलिटी ड्यूरिंग फॉग इज येलो, येलो कलर जो है यूज किया जाता है कब, जब विजिबिलिटी हमारा नहीं होता है, किस कंडीशन में, फॉग के कंडीशन में, तब। रोड रोड डेलिनेटर्स यूज टू प्रोवाइड विजुअल असिस्टेंस टू ड्राइवर अबाउट अलाइनमेंट ऑफ रोड अहेड स्पेशली नाइट, रात में जो रोड डेलिनेटर्स होता है वो आपका एक विजुअल असिस्टेंस के तौर पे प्रोवाइड किया जाता है। किसको गाइड करता है, ड्राइवर को, रोड के अहेड अलाइनमेंट को। इन ट्रैफिक सिग्नल रेड कलर लाइट इज यूज टू स्टॉप व्हीकल, है ना, व्हीकल को अगर स्टॉप करवाना है तो रेड कलर का यूज किया जाता है। एज इट हैव लॉन्गर वेवलेंथ एंड लो फ्रिक्वेंसी, इसका लॉन्गर वेवलेंथ होता है जिसके कारण से कलर विच हैविंग लॉन्गर वेवलेंथ विल अंडर गो लेसर स्कैटरिंग, वेवलेंथ ज़्यादा है तो स्कैटरिंग कम होगा, देयर फोर इट विजुअल फ्रॉम लॉन्गर डिस्टेंस, बहुत दूर पहले ही जो हमें दिखाई दे देता है कि आगे कुछ खतरा है। इंडियन हाईवे वाज कलर्ड माइलस्टोन येलो एंड वाइट, वाई इट माइलस्टोन जो है नेशनल हाईवे के लिए, स्टेट हाईवे के लिए ग्रीन एंड वाइट माइलस्टोन, ब्लू एंड ब्लैक, ब्लू या ब्लैक एंड वाइट माइलस्टोन जो है सिटी या मेन डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए, ऑरेंज और वाइट माइलस्टोन जो है विलेज रोड के लिए होता है। ट्रैफिक सिग्नल दिस कंट्रोल डिवाइस अल्टरनेटली डायरेक्ट द ट्रैफिक टू स्टॉप एंड प्रोसेस एट इंटरसेक्शन यूजिंग रेड और ग्रीन ट्रैफिक लाइट सिग्नल्स ऑटोमेटिकली जो है आपका होता है, मतलब ये ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए जो है यूज किया जाता है, तो उसे जो है ट्रैफिक सिग्नल कहा जाता है। जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, जो कोऑर्डिनेशंस होता है ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम का, वो होता है सिमुलटेनियस सिस्टम, सिंपल प्रोग्रेसिव सिस्टम, अल्टरनेट सिस्टम और फ्लेक्सिबल प्रोग्रेसिव सिस्टम। तो सिमुलटेनियस सिस्टम, ऑल द सिग्नल अलोंग अ गिवन रोड शो
सेम इंडिकेशन एट द सेम टाइम ऑपरेटेड बाय द सिंगल कंट्रोलर, उसको जो है सिमल्टेनियस सिस्टम कहते हैं। सिंपल प्रोग्रेसिव सिस्टम, अ टाइम शेड्यूल इज सो परमिटेड डैट अ कंटिन्यूस ऑपरेशन ऑफ ग्रुप ऑफ व्हीकल अलॉन्ग द मेन रोड इज पॉसिबल, कंसिडर टू बी बेस्ट सिस्टम, उसको बेस्ट सिस्टम माना जाता है, के तौर पे कंसिडर करते हैं। अल्टरनेट सिस्टम, अल्टरनेट सिग्नल और ग्रुप ऑफ सिग्नल सो अपोजिट इंडिकेशंस इन ए रूट एट सेम टाइम, सेम टाइम में जो है अपोजिट इंडिकेशन शो करता है तो उसको अल्टरनेट सिस्टम कहते हैं। फ्लेक्सिबल प्रोग्रेसिव सिस्टम, ऑटोमेटिकली वेरी द लेंथ ऑफ साइकिल और साइकिल डिविजन्स विद द कंप्यूटर मोस्ट इफ़िशियंट सिस्टम, ये आपका होता है। इसमें क्या होता है कि ऑटोमेटिकली एक साइकिल लेंथ होता है कि 30 सेकेंड तक अगर ये रेड बत्ती जलेगा तो 30 सेकेंड तक ग्रीन जलेगा, 30 सेकेंड तक येलो जलेगा, इस तरीके का आपका होता है। टोटल लॉस्ट टाइम इज अ कम्बिनेशन ऑफ स्टार्टअप लॉस्ट टाइम एंड क्लियरेंस लॉस्ट टाइम, यहाँ पे दो तरीके का इंटरवल होता है, चेंज इंटरवल और क्लियरेंस इंटरवल। इफेक्टिव ग्रीन टाइम जो होता है वो एक्चुअल टाइम होता है जो अवेलेबल होता है व्हीकल के लिए टू क्रॉस द इंटरसेक्शन। तो जी आई, स्मॉल जी आई इज इक्वल टू कैपिटल जी आई प्लस बाई आई माइनस टी एल, यहाँ पे कैपिटल जी आई जो है ग्रीन, एक्चुअल ग्रीन टाइम है और वाई आई जो है येलो टाइम है, टी एल जो है स्टार्टअप लॉस टाइम है या लॉस्ट टाइम ड्यू टू फॉलिंग ऑफ डिस्चार्ज रेट ड्यूरिंग एम्बर पीरियड के दौरान। वेरियस मेथड्स होते हैं आपके सिग्नल डिज़ाइन के लिए, ट्रायल साइकिल मेथड, अप्रोक्सीमेट मेथड, वेबस्टर मेथड और आईआरसी मेथड। वेबस्टर मेथड के अनुसार अगर बात किया जाए तो ये मोस्ट रेशनल डिज़ाइन मेथड्स आपका होता है। इसमें ऑप्टिकल साइकिल टाइम कैलकुलेट करने के लिए यानी सी नोट इज इक्वल टू 1.5 एल प्लस 5 बाई 1 माइनस वाई होता है। यहाँ पे एल इज इक्वल टू होता है स्मॉल एन इंटू स्मॉल टी एल प्लस आर, यहाँ पे आर जो है आपका ऑल रेड टाइम, स्मॉल टी एल जो है स्टार्टअप लॉस टाइम, एन जो है नंबर ऑफ फेजेस को दर्शाता है और y इज इक्वल टू होता है समेशन ऑफ क्यू आई बाई एस आई, यहाँ पे एस आई जो है आपका सेचुरेशन ऑफ फ्लो होता है फॉर डैट फेज के लिए। y शुड नॉट बी लेस देन 1, y का जो वैल्यू है वो 1 से छोटा, मतलब शुड बी लेस देन 1 से छोटा होना चाहिए। एस आई इज इक्वल टू होता है 3600 बटा टाइम हेडवे या इन सेकेंड। अकॉर्डिंग टू आईआरसी मेथड ये एक अप्रॉक्सीमेट मेथड होता है जहाँ पे ऑप्टिमम साइकिल टाइम जो है वेबस्टर मेथड के द्वारा चेक किया जाता है, लेकिन ये अप्रॉक्सीमेट मेथड होता है, अप्रॉक्सीमेटली आईआरसी के द्वारा रिकमेंड कर दिया जाता है कितना आपका होना चाहिए। मिनिमम ग्रीन टाइम फॉर व्हीकुलर ट्रैफिक इज टेकन एज 16 सेकेंड, 16 सेकेंड जो है मिनिमम ग्रीन टाइम हम लोग जो है लेकर चलते हैं। साइकिल टाइम शुड बी मल्टीपल ऑफ 5 सेकेंड, 5 सेकेंड का मल्टीपल होना चाहिए। पेडेस्ट्रियन वॉकिंग स्पीड जो है 1.2 मीटर पर सेकेंड होता है विद इनिशियल वॉकिंग पीरियड ऑफ 7 सेकेंड आपका लेकर चला जाता है। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई हो, आज का सेशन आपको समझ में आया हो। अगर फिर भी किसी तरीके का कोई डाउट्स रहता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अपने सभी साथियों के साथ शेयर कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और मिलते हैं अगले वीडियोस के साथ, नई अपडेट के साथ, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।